सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। करौंदी प्रखंड के जेएमएम प्रखंड के अध्यक्ष अभिजीत किशोर ने भवनाथपुर विधानसभा के विधायक द्वारा लगाए गए जलमीनार पर सवाल उठाते हुए कहे कि विधायक द्वारा जलमीनार के निर्माण आम जनता के लाभ पहुंचाने के लिए लगाया जाना था, परंतु करौंदी प्रखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खेत में लगाया जा रहा है, जिससे आम आवाम को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जलमीनार का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि जनहित में नहीं है। जहाँ पर जलमीनार का निर्माण कराया गया है वहाँ पर तीन ही मकान है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पर्सनल उपयोग इस जल मीनार का यूज करते हैं, इसकी जांच जिला पदाधिकारी कराने की मांग करता हूं। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास द्वारा बताया गया कि जल मीनार का उपयोग सही स्थानों पर किया गया है। आने जाने वाले राहगीर को इसका उपयोग करते हैं, वही आसपास के लोगों की इस जल मीनार का उपयोग कर रहे हैं। मैं अभिजीत किशोर, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष करौंदी, आप सबों को जोहार करता हूँ। आज मैं माननीय विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा दिए गए विकास फंड में सोलर टैंक प्रणाली, चंपाकल, ये सब विधायक जी के पर्सनल आदमी के घर आंगन में, खेत में, जहाँ पे आम पब्लिक की पहुँच नहीं है वहाँ पे ये सब का यूज किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं मीडिया में आज मुखातिब हुआ हूँ और लिखित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को देने का काम किया हूँ। जांच की विषय है कि जो विधायक मत की राशि है क्या उनके कार्यकर्ताओं के लिए है या यहाँ के जनता के लिए है। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष द्वारा जो जलमीनार के ऊपर लगाए गए आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, और मैं बता दूं कि जो जल मीनार लगाया गया है वह संध्याकर जी के खेत में लगाया गया है जरूर, लेकिन वह सड़क के किनारे है और वहां जो आने जाने वाले राहगीर और उस जगह के आसपास के जितने लोग घर निवास करते हैं सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष को किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगता है तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाते रहते हैं, उनकी कोई अपनी उपलब्धि तो है नहीं, दूसरे को देखना है। पहले वैसे प्रखंड अध्यक्ष अपने गिरेबान में झांके, इसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाएं, ऐसे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। आप वहां के ग्रामीणों से पूछ सकते हैं, जा सकते हैं, और सभी ग्रामीण लोग का कहना है कि यह जल मीनार लगने से हम लोगों को बहुत राहत मिलता है, हम इसका लाभ ले रहे हैं।